हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकल्प ऑफिशियल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। हम लोग सबसे पहले गए निधिवन। हम लोगों ने वैसे तो सोचा था कि सुबह जल्दी जल्दी के मॉर्निंग के दर्शन करेंगे, लेकिन बहुत लेट हो गया था रेडी होने में, और उसके बाद फिर बेटी भी है तो थोड़ा बहुत लेट हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने मैंने कुछ 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 ही मैंने वृंदावन में रिकॉर्ड किया है, जो कि आपको पूरे ब्लॉग में दिखे। जो भी मैंने रिकॉर्ड किया, बंदरों के डर की वजह से मैं मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कई लोगों को मैंने अपनी आंखों के सामने मोबाइल ले गए थे या चश्मा ले जा लेते हैं, तो कुछ भरोसा नहीं होता। तो थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है, वो लास्ट में बताइएगा। यहाँ मैंने अपनी बेटी को थोड़ी देर के लिए बिठाया था, थोड़ा सा डांस कराया। यहाँ कहते हैं कि कृष्ण और राधा जी आज भी अपनी सखियों के साथ रास रचाने आते हैं, तो यहाँ भी इस जगह पे आए तो थोड़ा सा आप लोगों को भी अपने रास करना चाहिए, थोड़ा डांस करना चाहिए, अच्छा लगता है। हम लोगों ने भी कई लोगों के साथ डांस किया था, अभी आप लोग देखेंगे। आ गए आ गए। चलो चलो गोविंद हरि राधे राधे बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधेन्द बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद राधा। हम लोग बेटी को भूख लग गई थी तो गाय का दूध देख रहे थे, तो यहीं एक शॉप पे हमें गाय का दूध मिल गया था, तो फिर बेटी को मैं पिला रही थी और यहाँ ये लोग थोड़ा मस्ती कर रहे थे। इसके बाद हम लोग गए थे सेवा कुंज के पास ही है राधा दामोदर मंदिर। वहाँ प्रभुपाद जी का पहले का जहाँ वो रहते थे वो रूम है और रसोई है उनकी, जहाँ उन्होंने भगवद गीता का ट्रांसलेशन किया, कई सारी किताब मतलब ग्रंथों का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो यहाँ हम लोगों ने दर्शन किया, भाग्य से मुझे उसके उनके दर्शन हो गए। पहले भी मैं आई हूँ यहाँ पर, लेकिन इस वक्त जब हम लोग सुबह सुबह गए थे तो दर्शन में थोड़ा लेट हो गया था, ये बंद था। लेकिन जब हम लोग निकलने वाले थे तभी इस्कॉन वाले आए थे इनको भोग लगाने, तो हमें दर्शन मिल गए थे। उसके बाद हम लोगों ने राधा दामोदर जी के दर्शन किए और वहाँ की चार परिक्रमाएँ की। कहते हैं चार परिक्रमाएँ करने से आपको गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है, तो हमने की दर्शन किए राधा वल्लभ जी के। इनके दर्शन तो सच में भाग्य वालों को होते हैं, तो कहते हैं ना राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हमें, पास से दर्शन हुए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल पास से हुए। बहुत अच्छा लगा मुझे दर्शन करके, एकदम सुकून सा लग रहा था। अब बेटी का तो पहला था सब कुछ, तो हम लोग चाह रहे थे कि अच्छे से दर्शन हो। तो ये दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे राधा रमन। राधा रमन में इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। इतनी मतलब इतनी भीड़ मैंने इससे पहले राधा रमन में नहीं देखी। होती है भीड़, लेकिन इससे ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती। ये बंद होने का टाइम था, बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट बाकी थे और शायद उनको भोग लग रहा था, इस वजह से पट बंद कर रखे थे। इन सर पट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। इस
इसके बाद हम लोग गए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में मैं तीसरी बार गई थी, इससे पहले कुछ टाइम पहले ही मैं एक दिन के लिए जब आई थी तो मैं प्रेम मंदिर आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मेरे को जल्दी निकलना पड़ा था क्योंकि बेटी बहुत छोटी थी। अभी तो बेटी 10 महीने की है तो इतना परेशान नहीं करती, लेकिन उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग एक दिन के लिए आए थे, बस थोड़ा बहुत दर्शन किया, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। लेकिन इस टाइम हम लोगों ने काफ़ी टाइम बिताया था यहाँ पर, दर्शन किए अच्छे से और कुछ टाइम यहाँ बैठे भी थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बांकी बिहारी के दर्शन। बांकी बिहारी में मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया है, जितना भी रिकॉर्ड किया सिर्फ बस बाहर का ही किया है, मतलब बांकी बिहारी के पास तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि एक तो अंदर दर्शन करने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। बांकी बिहारी के दर्शन करो तो सब लगता है कि सब कुछ मिल गया है, दुनिया में सब कुछ मिल गया है। उनकी आंखों से नज़र ही नहीं हटती है, उनके और कहीं नहीं सिर्फ उनकी नज़रों से नज़र मिल जाती है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है जब बांकी बिहारी के दर्शन करो, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा सुकून तभी मिलता है जब मैं अपने बांकी बिहारी के दर्शन करती हूँ। और मेन मैंने अपने जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम अभी आपको वो दिखेगा कि मैंने कि मैं पर्सनली किस वजह से आई थी। एक तो बांकी बिहारी के दर्शन करने ही थे, लेकिन मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, मुझे जो काम करवाना था, मैं अभी आके आपको दिखाऊंगी कि मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी कर रही थी विंदा बनाने की। वैसे अगर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो मैं भी नहीं आती, क्योंकि बेटी अभी छोटी है तो बहुत दिक्कत होती है कहीं ले जाने में उसे, लेकिन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, इस वजह से मैं इसलिए आई थी। यहाँ काफ़ी टाइम हम लोगों ने बिताया था, रात हो गई थी यहाँ से निकलने के बाद। वही तो यहाँ था मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम, वो काम था मुझे अपने माता का श्रृंगार करवाना था। 1 साल हो गया था उनको ले गए हुए, यहीं से मैं ले गई थी इसी शॉप से। तो मुझे मैंने सोचा पहले यहीं से पता कर लूँ, तो मैंने सुबह ही उनको दे दिया था। कुछ 4-5 घंटे ये लोग रखते हैं, उसके बाद आपको श्रृंगार करके देते हैं। तो यहाँ आ गए हैं मेरे माता श्रृंगार करके। मुझे इतना मतलब पसंद नहीं आया, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो कहीं और करवाऊँगी, क्योंकि पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने सोचा था कि यहीं से लिया तो क्या पता यहाँ अच्छा हो, लेकिन मेरे मुताबिक वो नहीं हुआ। तो मेरे को अब से आगे से मैं यहाँ से नहीं करवाऊँगी, बस अभी के लिए हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तो मैं फिर से लेकर आऊँगी उनको, कहीं और शिकायत करवाऊँगी मन से। यही मेरा इम्पॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से मुझे आने की जल्दी थी और वही अच्छे से नहीं हो पाया, तो मैं थोड़ा उदास हो गया था। सामान कम कर दो, ज्यादा लग रहा है सामान कम कर। उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने, उसके बाद हम लोग होटल पे चले गए। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों की ट्रेन थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इस्कॉन हम लोगों ने अभी तक दर्शन नहीं किए थे, तो सुबह की मंगला आरती दर्शन करना था, हमारा मन था। आज तक मैंने इस्कॉन से मुझे जुड़े हुए तो 10 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी मंगला आरती अटेंड नहीं की कहीं की भी। तो यहाँ मैंने वृंदावन की अटेंड की, जहाँ की कहते हैं बहुत ही खास होती है, और सच में बहुत बहुत खास होती है। जब भी आप जाओ तो मंगला आरती जरूर ज़रूर अटेंड कीजिए, बहुत ही अच्छे से होती है। और तो इस वजह से स्पेशल आरती तुलसी आरती आप देख रहे हैं आगे, एक जहाँ जेंट्स आरती करते हैं और एक जहाँ लेडीज़ आरती करती है, तो 2 जगह तुलसी जी रखी गई थी और वहाँ आरती की थी। दोनों मतलब एक तरफ जेंट्स कर रहे थे और एक तरफ लेडीज़ कर रही थी सारी, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। मंगला आरती करने के बाद हम लोग कुछ देर यमुना घाट के पास गए और थोड़ी देर वहाँ बैठे, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर भी। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने घर की ओर, कि लेट हो रहा था, हम लोग की ट्रेन थी और हमें घर पहुँचना था जल्दी। तो आप लोगों को पता लग गया कि मैं किस लिए गई थी इस ब्लॉग में ही। इसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे, तो यहाँ का ब्लॉग यहीं एंड होता है और नेक्स्ट ब्लॉग देखते हैं फिर कहाँ जाते हैं।
तो आगे का ब्लॉग आप लोग एंजॉय कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, हमारा सामान पैक हो चुका है। वैसे भी वीडियो में बाद में डन कर दिया, इसमें दूध दे दो, इसमें कलाई मोनो खा लेना, जितना बचेगा उसको कितना देर लगेगा बोला, रख दिया नहीं देगा माशा अल्लाह। Thank you.